विद्यापीठ के परिसर में और आप सभी ने देखा वीडियो में कि एनुसाई द्वारा यहाँ पे कैंडल मार्च निकालकर मणिपुर की घटना पे विरोध जताया जा रहा था। जीवराना विश्व पांडे में जिला अध्यक्ष होने सोनरसी का यहाँ पर किस घटना का विरोध किया? देखिए, घटना का विरोध नहीं है, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मणिपुर की हिंसा में जो लोग जल के भस्म हो गए, जिनको नरेंद्र मोदी जी ने जला दिया है और वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने एकदम आग के में उनको झोंक दिया है, उन्हीं को आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए कैंडल निकाल कर और मसाल जुलूस हाथ में लेकर उनको याद करते उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना था। पर चीफ प्रॉक्टर महोदय ने पुलिस का प्रयोग किया है, सत्ता के हनक में आके सत्ता के प्रशासन पर दबाव पड़ा है कि हम लोग को वो भी नहीं करने दिया गया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से नरेंद्र छात्रावास से निकले, मसाल जुलूस हम लोग का मसाल तोड़ लिया गया, कैंडल हाथ में थी, अभी तमाम हमारे हाथ पे देखे कैंडल चुआ हुआ, हमारे साथियों पर कैंडल गिर गया हाथ पे, उनका हाथ जल भी गया, फिर उन लोग दौड़ते भागते हुए गांधी की विचारधारा के हम लोग हैं, गांधी जी की प्रतिमा पर आके कैंडल जला के उनको याद करते उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुलिस प्रशासन से नोकझोंक हुई और एक तरह आप बात कर रहे हैं गांधी की विचारधारा के हैं हम लोग, तो नोकझोंक कैसे? एक बात सुनिए, अगर हम आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हैं, यहाँ अगर चंद्रशेखर भी पढ़े तो गांधी जी की नींव भी रखे हुए हैं, और आगे अगर गांधी की विचारधारा को लेकर गांधी की बातों को लेकर हम लोग आगे लड़ना सीखते हैं तो चंद्रशेखर की बातों को लेकर हम लोग लड़ना सीखते हैं, तो समय आने पर गांधी भी बन सकते हैं, समय आने पर चंद्रशेखर आजाद भी बन सकते हैं हम लोग। ठीक है, धन्यवाद। आइए और कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस कार्यक्रम में शामिल थे। अपना परिचय। मेरा नाम प्रफुल्ल पांडे है और मैं शताब्दी छात्र संघ महामंत्री प्रदेश उपाध्यक्ष NSY। किस घटना का यहाँ पे आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग मणिपुर के जो एक लड़की को एक औरतों को वहाँ पे नंगे परेड कराया जाता है, हम उस घटने पे यहाँ पे मसाल जुलूस निकाले, और यही नहीं वहाँ के देश के मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम ऐसे 100 केसेस हैं जो कि अभी तक वहाँ नेट बंद कर दिया गया, इसके वजह से वायरल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण था आपको पुलिस से नोकझोंक करनी पड़ी? पुलिस से नोकझोंक करने पर हम लोग को 2 बजे से फ़ोन आ रहा है कि आप लोग इस कार्यक्रम को मत करिए, अगर आप कार्यक्रम को करेंगे तो आप पे ऐसे ऐसे मुकदमे दर्ज करा दिए जाएंगे कि आप कभी इससे बरी नहीं हो पाएंगे और विश्वविद्यालय से आपको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो बस एक ही जरिया था आप लोग को अभी पुलिस से नोकझोंक करने का? पुलिस से नोकझोंक करने का ये हम देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की भी बहन बेटियाँ हैं हम लोग, ये नहीं कि मेरी भी बहन है, आज मणिपुर में हो रहा है, कल हमारे उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, इसीलिए हम अगर गांधी जी की प्रतिमा पर हम लोग कैंडल जला सकते हैं तो इस विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र चंद्रशेखर आजाद रहे हैं तो हम लोग चंद्रशेखर आजाद बनने का भी काम कर सकते हैं। जैसा आप सभी ने देखा था, ये थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र जिन्होंने यहाँ पर मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और उनके साथ पुलिस के साथ नोकझोंक हुई।